नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन उदय। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। और मैं आपको अपील बता दें कि करता हूं सरगर्मियां लगातार तेज सभी होती जा रही हैं। एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को घोषित कर दिया है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता रही हैं और अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो वह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। वहीं विपक्ष ने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आप तो देखिए, यहाँ पर विषम सिन्हा का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है और सब जानते हैं कि आपको दादी कि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूँ। और वो झारखंड की राज्यपाल भी हैं, आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली हैं। मैं अपील करता हूँ सभी झारखंड के निवासियों से या पूरे भारत से, कब ऐसी प्रत्याशी आदिवासी क्षेत्र की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करें और उनको राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने की बधाई दें। और हमारे जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत ही संत और महात्मा किस्म के। आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष की तरफ से एक संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। मैं निजी रूप से भी यह मानता हूं कि उनका राजनीतिक अनुभव, उनका भारत के संविधान के प्रति ज्ञान, उनका भारत के प्रति समर्पण यह दिखाता है कि वह भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े शीर्ष पद के लिए इस वक्त सबसे उत्तम उम्मीदवार हैं और सबसे अच्छे दावेदार हैं। जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव का आगाज हो गया है और प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम साझा कर दिए हैं। 15 जून को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 21 जुलाई को मतगणना होगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परिणाम आने की उम्मीद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हमेशा राष्ट्रहित और देश हित का निर्णय लेती है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोग को लेके आम आदमी पार्टी बहुत गंभीर है। का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक दूरगामी सोच के तहत महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश की है, आदिवासी समाज को सम्मान देने की कोशिश की है। और द्रौपदी मुर्मू जी जो अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो वो द्वितीय महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पूर्व प्रतिभा पाटिल जी महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और चलिए बात जौनपुर की करेंगे। आपको तो देखिए, यहाँ पर जौनपुर जिले के महाराजगंज के अंतर्गत नाहरपुर गांव के वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय, आप तो देखिए यहाँ पर पंडित अमरनाथ पांडे की तरफ से अपने निजी आवास पर नाथ निकेतन पर क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्र को माल्यार्पण करते हुए जो है उनका स्वागत किया है। और आपको तो देखिए यहाँ पर जो है श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक भेंट की है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें सम्मान किया है। वार्ता के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक की तरफ से जितने भी यहाँ पर कार्य किए गए हैं वो बहुत यहाँ पर सराहनीय रही हैं और इनके प्रयास से यहाँ पर बदलापुर विधानसभा भी बदल रहा है। विधायक का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिस तरह से आप बड़े कार्यों को आसानी से ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। इससे पहले भी यहाँ पर बता दें कि पूरे जिले में यहाँ पर ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोग भी यहाँ पर गौरवान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर विधायक के साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष यादवेंद्र प्रताप सिंह सहित यहाँ पर कई और भी गणमान्य लोग मौजूद रहे। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थों गांजा की तस्करी करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से टीम ने 23 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर उड़ीसा जगदलपुर से गांजा लाकर भोपाल में गांजे की तस्करी करने का काम कर रहे थे।
आरोपी ने ऑल्टो कार से गांजे का परिवहन कर गैस की टंकी का कंटेनर का उपयोग किया। मादक पदार्थ रखने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। भोपाल क्राइम ब्रांच का नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा दो आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी देवास और सजयपुर के निवासी हैं। इनके द्वारा गांजा जो कि मादक पदार्थ है की तस्करी की जा रही थी। क्राइम ब्रांच भोपाल जो कि लगातार नशे के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए, क्राइम ब्रांच भोपाल को सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर हैं जो अल्टो कार में काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजा लेकर जा रहे थे। प्रथम दृष्टया कार को चेक करने पर कुछ भी सामान संदिग्ध नहीं मिला, मादक पदार्थ नहीं मिला, पर बाद में जब जो गैस किट है, गैस की टंकी है, उसको चेक किया गया तब इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजा मादक पदार्थ मिला। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको तो देखिए अपार भारी बरसात में भी बद्रीधाम में भक्तों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। इस जो है भारी बरसात में यहाँ पर भक्त लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं जो है वो बैंकुट धाम बद्रीधाम की, जहाँ के कपाट खुले हुए एक महीने का वक्त बीत चुका है। आपको बता दें कि बद्रीधाम की कपाट 8 मई सुबह जो है 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। और गौरतलब है कि यहाँ पर जब से कपाट खुले हैं तब से लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना लगा हुआ है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम, जहाँ के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हालांकि बद्रीधाम के कपाट खुले हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, अभी भी बद्रीधाम में हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री बद्रीधाम में मौजूद हैं। बड़ी बात तो यह है कि बद्रीधाम में आजकल मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बद्रीधाम में हजारों की तादाद में जिस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में इस वक्त इस भारी ठंड में भी भक्तों की आस्था काफ़ी भारी दिखाई दे रही है। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह, चमोली। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए आप लक्सर उप जिलाधिकारी ने 3 डंपर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन परिवहन करते हुए सीज कर दिया है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बेनीवाल ने बताया कुछ व्यक्तियों की तरफ से अवैध खनन परिवहन करने की शिकायतें लगातार मिल रही थी और मुखबिर की जो है बताई जगह पर दबिश देकर 3 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले भी अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी और आगे भी अवैध खनन परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। अंतर्गत जो भी वाहन अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जा रहे हैं, लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। कल मेरे द्वारा 3 डंपर और एक ट्रैक्टर पकड़ा गया और आगे भी लगातार इस तरह की जो गतिविधि अवैध रूप से चलाई जाएगी उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार आगे चलती रहेगी। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद की तरफ से मेले में अश्लील डांस के खिलाफ विधानसभा में सवाल उठाने पर लोगों ने सही छाड़ा है और साथ ही विधायक की तारीफ की है। समाजसेवी परवेज अली ने कहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने काठापीर मेले का ठेका बहुत ही महंगा लिया था, जिसमें ठेकेदार की तरफ से दुकानदारों से ज्यादा वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा है कि लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कई जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में आवाज उठाई है, जिनमें काठापीर मेले में अश्लील डांस का भी मुद्दा जो है अहम माना जा रहा है। सुल्तानपुर में सामाजिक कार्यकर्ता परवेज खत्री ने भी यहाँ पर काछा पीर मेले में जो भी यहाँ पर सवाल उठाया गया उसको उचित करार दिया है। पूरे भारत में जहाँ योग दिवस मनाया गया और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग के साथ साथ यहाँ पर जिम का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक तरफ योगा करने से यहाँ पर शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है और वहीं दूसरी तरफ जिम करने से शरीर मजबूत होता है। लड़कियां हों या फिर लड़के, सभी लोग जिम योगा करने में सभी माहिर होते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जिम कोच संजय सिंह का कहना है कि यहाँ पर जो चीजें हम बचपन में खाते हुए हैं और उसका सेवन हम आगे भी करते रहें, जिससे कि हमारा ग्रोथ और साथ ही चीजें सब सही तरीके से रहें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर
जैसा कि हम देखते हैं आगे, अभी हम बहुत सारे अपने करीबी लोग खो चुके हैं इस वजह से कि सप्लीमेंट की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लोग तो छोड़ो, पूरे इंडिया में सप्लीमेंट अवॉइड हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेचुरल फिटनेस को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हम अपने रोज़मर्रा की जिंदगी में जो हमने बचपन से खा के हम बड़े हुए हैं अभी तक, वही खा के आगे भी बिल्ड करें अपने आप को। क्योंकि देखो हम ऐसा नहीं है कि अपना नेचुरल डाइट लेकर के अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। बस मैं यही इंडिया को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप ये भ्रम में है कि स्टेरॉइड और सप्लीमेंट के जरिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की 23 जून को ईडी में पेशी और साथ ही अग्निपथ योजना के बाद देश में उपजे हालात के मद्देनजर पार्टी का रुख तय करने के लिए आपदा के यहाँ पर AICC की यहाँ पर ओर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश स्तरीय नेता भी दिल्ली में मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी यहाँ पर आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक देश की यहाँ पर भावना से ग्रस्त होकर बार बार राहुल गांधी को बुलाकर जांच के नाम पर उत्पीड़ित किया जा रहा है और इसी के तहत 23 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बाजारों को वैश्विक पहचान देने की दिशा में पहल की है और अब लोग देश के किसी भी व्यापार शहर में दिल्ली के बाजारों से खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से दिल्ली बाजार ई पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। सरकार ने 6 महीनों में 1,00,000 से भी अधिक विक्रेताओं को जोड़ने का काम किया और आपको बता दें कि आपस को लक्ष्य रखा है। संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जसमीन शाह ने यहाँ पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी और इस पूरे जो है योजना को लेकर विस्तार से बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उधर राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमणों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में बीते एक यहाँ पर दिन की बात की जाए तो कोरोना के लगभग 1,060 नए मामले सामने आए। आप बता दें कि यहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की भी बात कही है और लोगों से अपील की है कि आप सतर्क रहें। पुष्पराजगढ़ में पंचायत चुनावों की तारीख नजदीक आ चुकी है लेकिन विकास ना होने को लेकर लोग यहां पर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पुष्पराजगढ़ अंचल में त्रिस्तरीय पंचायत की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। प्रत्याशी प्रचार प्रसार के साथ लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास के कोशों दूर रहने वाले ग्रामीणों ने एक के बाद एक चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कालाडाही ग्राम के बाद ग्राम पंचायत फरहदा का बिजाटोला के ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह ग्राम पंचायत भवन और ग्राम की अन्य सड़कों पर तख्ती बैनर के साथ नारेबाजी की और चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बिजाटोला के ग्रामीणों की मांग है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। आप गौर से देखें इन मासूमों को कैसे दिए के सहारे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार विकास के वो दावे कहाँ हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन मासूमों के जीवन में, इन मासूमों के भविष्य में कब बिजली से उजाला होगा, कब शासन और प्रशासन नींद से जागेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या समस्या है आप लोग? हमारे ग्राम पंचायत फरहदा में अभी तक लाइट का समस्या है, ये 3 साल से अभी तक लगा नहीं है। क्या नहीं लगा है? लाइट नहीं लगा है, कनेक्शन नहीं हुआ है। खम्भे तो दिखाई दे रहे हैं, तार है तो ट्रांसफर रहेगा तो लाइट लगेगा। ये कौन सा टोला है? ये फरहदा बीजा टोला है। ये आपके द्वारा इसकी शिकायत किससे की गई? मैंने विधायक जी से किया, सांसद से भी किया, अरजय साहब को भी मैं दिया और इंजीनियर को भी दिया मैं जा कर के लेटर। क्या कहा गया उनके द्वारा? बिल्कुल 15 दिन के अंदर में हो जाएगा, ये सांसद बोला, विधायक जी बोला। तो अब कितने दिन हो गए? अब तो ये 3 साल गुजर गया। अभी हम 181 में भी शिकायत किए थे आप लोगों के द्वारा, वोट लाइट नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप लोग मतदान नहीं करेंगे? जी इसमें मतदान करेंगे जब लाइट लगेगा तब। आप लोगों ने नारा लगाया है कि लाइट नहीं तो वोट नहीं, क्या मांगे हैं आपकी और क्या चाहते हैं? लाइट के कब के खम्भा गड़े हराए, 3 साल है गए,
ना ट्रांसफार्म लगे ना कुछ लगे मनल। तो आप लोग अंधेरे में कैसे रहते हैं? का करिए नकली खबर के रात हम कहूँ चिमनी खा मीठा तेल लबार थम। तो क्या आप मतदान करेंगे? कुछ नहीं ना मिट्टी तेल दे ना कुछ दे। आप लोग वोट देंगे? हम नहीं देंगे जब तक लाइट नहीं लगी तब तक वोट। ये कौन सी जगह है, कौन सा ग्राम पंचायत है? यह फरहदा बीजा टोला। बिजाटोला ग्राम पंचायत फरहदा अंतर्गत आता है। ये जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद का क्षेत्र है। ग्राम पंचायत फरहदा के पश्चिम दिशा पर बसा 15-20 जनजातीय परिवारों का पुश्तैनी ग्राम है, जहां लोग काफी समय से रहते हैं। आदिवासी बहुल या फिर यूं कहें महज आदिवासियों की बस्ती वाले इस गांव में आजादी के बीते 8वें दशक के बावजूद भी लाइट का इंतजार बना हुआ है। 1986 से लेकर 1992 के दौर में ग्रामीण इलाकों पर विद्युत लाइनें बिछाने का काम बहुत ही तेजी से हुआ था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने टंगस्टन तार के बल्बों की रोशनी देखकर हर्षित हुए और दूर टंगस्टन तार से होता हुआ मरकरी, ट्यूबलाइट, CFL और LED तक आ पहुंचा। इधर उसी क्रम में बिजाटोला जैसे ग्रामों की चौथी पीढ़ी आज़ादी के बाद शिरकत कर रही है, लेकिन लाइट का इंतजार अब भी बना हुआ है। अब देखना और समझना ये होगा कि आखिरकार आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी इन ऐसे छोटी बस्तियों में बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जब चुनाव आते ही वोट मांगने चले आते हैं, विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं और तब उन सभी दावों वादों की हवा निकल जाती है जब चुनाव जीत कर वो वापस चले जाते हैं। उन विकास के दावों की पोल तब खुल जाती है जब वापस अपने क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाते। अब सवाल ये उठता है कि इन मासूम छात्रों को देखिए और सोचिए कि आखिरकार दिए के सहारे कब तक इनका भविष्य यूं ही चलता रहेगा। पुष्पराजगढ़ से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट।